अगर अचानक मेहमान आ जाएं, तो जल्दी से ये बनाएं और सबका दिल जीत लें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि जस्ट 15 टू 20 मिनट्स में रेडी हो जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। ये मेरी फैमिली में चाहे बड़े हों या छोटे, सबका फेवरेट है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 5 खाने के चम्मच चीनी, 1 खाने का चम्मच देसी घी, 1 कप सेवैयाँ। सेवैयाँ मोटी होनी चाहिए क्योंकि मोटी सेवैयाँ ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं, और 1/2 पैकेट शीर खुरमा मिक्स। वैसे मैं लजीज़ा शीर खुरमा मिक्स यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल सका, इस वजह से मैं शान वालों का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप लजीज़ा शीर खुरमा मिक्स ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे इन्ग्रीडियंट्स देखकर आप समझते होंगे कि सेवैयाँ तो हर किसी को बनानी आती हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये डिज़र्ट बहुत टेस्टी बनता है। सबसे पहले पैन में 1 खाने का चम्मच देसी घी डालें, फिर 1 कप सेवैयाँ डालकर इतना भूनें कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। सेवैयों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल दें और 5 मिनट के लिए ढाम कर रख दें ताकि ये गल जाए। 5 मिनट के बाद जब सेवैयाँ गल जाएं और पानी तकरीबन खुश्क हो जाए, तो फिर इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर दें। और आपने इस तरीके से एक दफ़ा लाजमी सेवैयाँ बनानी है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएंगी। साथ में 5 टेबलस्पून शुगर शामिल कर दें। शुगर को आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसमें 1/2 पैकेट शीर खुरमा मिक्स भी ऐड कर दें। फिर इसे ढाँप कर 10 से 15 मिनट पकने दें। मज़ेदार सा मीठा तैयार हो चुका है। इसे गर्म या ठंडा दोनों तरीक़ों से सर्व किया जा सकता है। अगर आप इसे ठंडा सर्व करना चाहते हैं, तो इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा थिन रखें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ठीक हो जाता है। आप ये रेसिपी ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल आइकन के बटन को हिट कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अपना